हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। आई एम सुनंत मंडल। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लाइफ में एवरी पीपल वांट टू ग्रो रिच, बट हर कोई रिच नहीं बन पाते हैं। बट हाउ वी कैन मेक टू आवर सेल्फ रिच, हम खुद को रिच कैसे बनाएं? व्हाट इज द स्ट्रेटजी वी कैन फॉलो इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में ऐसा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जो हम लाइफ में रिच बन पाए? एवरी पीपल वांट टू मेक financial freedom, time freedom, everything, but every people cannot achieve that everything in their life. First of all, आज का टॉपिक हमारा रहेगा, हम रिच बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। First things, only saving it doesn't make you rich. Saving ही आपको रिच नहीं बनाएगा। Saving is the part of the rich. रिच बनने का एक पार्ट होता है saving. ठीक है, आप कितना भी अर्न करें, जितना अर्न कर रहे हैं उसे 10-20% आप सेव करना जरूरी है। लाइफ में क्या होता है, हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारा एक्सपेंडिचर तो चाहिए। तो हम जितना भी आप अर्न कर रहे हैं उसे तो एक्सपेंडिचर एवरीडे वर्क एक्टिविटी लिविंग ऑफ लाइफ करने के लिए स्पेंड मनी रिक्वायरमेंट होता है। बट सेविंग का माइंडसेट होना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सेकेंड थिंग्स, आपका अगर रिच बनना है तो यू मस्ट अर्निंग मोर, इनकम ज़्यादा करना चाहिए। जब तक आप इनकम ज़्यादा नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सेव और कैन नॉट यूटिलाइज योर मनी ऑन द प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर में आप मनी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा सेव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा रिच नहीं बन पाएंगे। अगर आपको हमको रिच बनना है तो ज़्यादा अर्न करना जरूरी है। ज़्यादा अर्न आप कैसे करेंगे? ज़्यादा इफोर्ट देने से ज़्यादा अर्न नहीं होगा, ओनली हार्डवर्क करने से अर्न नहीं होगा। ज़्यादा अर्निंग करने के लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए हम किस डिरेक्शन में काम कर रहे हैं, हमको क्या चीज़ चाहिए लाइफ में। उसके लिए गोल सेटिंग इम्पोर्टेंस होता है। गोल सेट कर दिए तो आप चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे। गोल सेट करने के बाद आप प्लानिंग करना चाहिए। प्लानिंग इम्पोर्टेंट थिंग्स, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। जब तक एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। प्लानिंग करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंट के टाइम लॉट ऑफ चैलेंजेस आएगा, लॉट ऑफ प्रॉब्लम आएगा और प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहिए। एंड दैट थिंग्स इट विल बी मेक अ सीरीज। फेलियर आएगा, चैलेंजेस आएगा, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड अगर उस इतना चीज कर दिया तो हम रिच बन जाएंगे? नो, यू कैन नॉट मेक टू योर सेल्फ रिच अंटिल यू विल बी नॉट टेक केयर अबाउट योर हेल्थ टू योर सेल्फ। खुद का हेल्थ अगर केयर नहीं करेंगे, आपका फैमिली, यू विल बी नॉट केयरिंग अबाउट योर फैमिली, यू विल बी नेवर मेक रिच। हेल्थ इम्पोर्टेंट होता है, उसके लिए कहा जाता है आदमी मनी अर्न करने के लिए अपना हेल्थ गवा देता है, बट हेल्थ रिकवरी करने के लिए अपना मनी गवा देता है। इनिशियल मोमेंट में जब एनर्जी होता है, जब एक्साइटेड होता है, जब वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 आवर्स दे आर डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ दे कैन अर्न मोर मनी। मोर मनी अर्न करने के लिए ज़्यादा टाइम एफोर्ट, ज़्यादा टाइम देने से आप ज़्यादा अर्न नहीं कर पाएंगे। तो एवरीथिंग इट विल बी इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सब कुछ इम्पोर्टेंस होता है। एंड जब तक आप खुद को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अगर रिच बनने के लिए सब कुछ का रिक्वायरमेंट होता है अबाउट योर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए एक्सरसाइज, एक्टिविटी, टेक गुड फूड, हेल्दी फूड, सब कुछ के रिक्वायरमेंट होता है। बैलेंस वर्क, ना कि खाली ओनली हार्ड वर्क करेंगे। हमारे नॉर्मल लाइज पीपल में क्या करते हैं, हम ज़्यादा हार्ड वर्क कर देते हैं ज़्यादा अर्न करने के लिए। नो, एंड सेकंड एंड अनदर वन थिंग्स, अगर आप 24 ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना काम कर पाएंगे इन ए डे? 24 आवर्स से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिन में 24 आवर्स ही होता है। अगर आपको रिच बनना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। यू विल बी डू वर्क विद द अदर्स, दूसरे के साथ काम करना है। एंड दूसरों को इट विल बी जॉइन विद आज, आप खुद के साथ ज्वाइन करना है। एंड टीम वर्क, उसे इट विल बी मल्टीप्लाई होता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है। सेकंड थिंग्स, वन सोर्स ऑफ इनकम में आप कभी भी इट विल बी इतना रिच नहीं बन पाएंगे। इफ़ यू वांट टू मोर रिच टू योर सेल्फ, यू मस्ट हैव मल्टी सोर्स ऑफ इनकम। आपको मल्टी सोर्स ऑफ इनकम का रिक्वायरमेंट होता है। मल्टी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करने के लिए आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करना जरूरी है। जब तक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप मल्टीपल इनकम सोर्स बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वन पर्सन है। वन टाइम में आप वन ही इफोर्ट कर सकते हैं, टू इफोर्ट यू कैन नॉट डू इन वन टाइम। आप एक ही टाइम में दो इफोर्ट नहीं कर पाएंगे।
तो आप एक ही रिपोर्ट में एक ही टाइम में एक ही रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर एक आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं एंड वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा, देन इट विल बी यू कैन मेक टू योर सेल्फ रिच। रिच होने में इट विल बी हेल्प अस। उसके लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम को फॉलो करना जरूरी है। इतना सीच करने के बाद हम अब जो मनी सेव कर रहे हैं वो मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, प्रॉपर यूटिलाइज करना जरूरी है। कहाँ से ज़्यादा रिटर्न आ सकता है, दैट थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो एवरीथिंग इट विल बी इम्पोर्टेंट। रिच ओनली आप एक चीज करने से नहीं होता है, एवरीथिंग इट विल बी बैलेंस। जब सब चीज़ों को मिला के बैलेंस करके करेंगे तब देन यू विल बी मेक टू योर सेल्फ रिच। हम खुद को रिच बना पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट वी आर डूइंग इन आवर लाइफ एंड हाउ वी कैन फॉलो अप इन बेटर वे। आप खुद को बेटर वे में कैसे फॉलो कर पाएंगे, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड फॉलो द राइट थिंग्स इन बेटर मैनर एंड मेक टू योर सेल्फ रिच एंड गेट ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। So thank you to everyone.